हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जानते हैं कि YouTube की तरफ से कौन सा अपडेट आया है। तो जो YouTube की तरफ से जो अपडेट आया है वो है YouTube हैंडल को लेकर। इस वीडियो में जानेंगे कि YouTube हैंडल क्या है और ये कैसे वर्क करेगा और इस YouTube हैंडल से क्या बेनिफिट होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि YouTube हैंडल है क्या। अगर आप ट्विटर यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि ट्विटर पे एक हैंडल दिया जाता है @ करके। जैसे मेरा ट्विटर हैंडल है @ टेक्नोमोटिवेटर, ऐसे ही आपको ट्विटर पे हैंडल दिया जाता है। उसी प्रकार से YouTube पे अब हैंडल दिया जाएगा @ करके। जैसे कि मेरा अगर YouTube का जो हैंडल होगा वो www.youtube.com/@TechnoMotivator, इस प्रकार से YouTube हैंडल होगा। इसी में आता है कस्टम URL। दोस्तों, कस्टम URL का जो लेने का कंडीशन होता है कि आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए और आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए, मतलब 100 सब्सक्राइबर होगा तभी आपके चैनल पर कस्टम URL मिलता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको शुरू से ही आपके चैनल पे YouTube हैंडल दिया जाएगा जो बिल्कुल कस्टम URL के जैसा वर्क करेगा। दोस्तों, YouTube हैंडल के आने से जो बेनिफिट होने वाला है, इसकी बात करें तो दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट हो जाएगा वो होगा नए यूट्यूबर को। दोस्तों, शुरू में जो 100 सब्सक्राइबर पुराना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए दोस्तों, ये नए यूट्यूबर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर नहीं है, आपका चैनल 1 महीने पुराना नहीं है, तो भी आपके चैनल पे YouTube हैंडल मिल जाएगा। YouTube हैंडल मिल जाएगा तो आप किसी पर्सन को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप किसी अदर पर्सन को या अपने व्यूअर को अगर या अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो कि आपके चैनल का जो हैंडल है, आपका जो YouTube हैंडल, उसको शेयर कर देते हो, तो डायरेक्ट आपके जो आपका जो YouTube चैनल है वहाँ पे पहुँचेगा। क्योंकि दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि एक नाम का चैनल बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन अब जब इसके YouTube हैंडल आने के बाद ये सब हट जाएंगे और जितने भी जो नकली चैनल होते हैं, जो डुप्लीकेट चैनल होते हैं, कॉपी किया चैनल होता है, ये सब नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, वो YouTube हैंडल मिलेगा तो दोस्तों वहाँ पर @ करके शुरू में ही आपको YouTube हैंडल दे दिया जाएगा जो बिल्कुल यूनिक होगा। जैसे कि ट्विटर पे होता है एक नाम का एक ही होता है, वो बिल्कुल यूनिक होता है। जैसे कि मेरा अगर टेक्नो मोटिवेटर है तो मेरा मोटिवेटर का किसी और के पास नहीं होगा, लेकिन अभी के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे। जैसे कि अगर सपोज मानते हैं कि टेक्निकल गुरुजी अभी बड़े क्रिएटर हैं, उनका बहुत सारा कॉपी बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे। आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे जाकर अगर चेक करोगे सर्च, पहले तो गुरुजी का आएगा, उसके नीचे बहुत सारे आपको जो कॉपी चैनल है वो आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये हैंडल आने के बाद ये कॉपी वाला जो सिस्टम है ये हट जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो स्पैमिंग हो रहा है वो नहीं होगा और एक जेन्युइन क्रिएटर रहेंगे यूट्यूब पे। दोस्तों, ये सब बेनिफिट हो जाएंगे। और अगर आप किसी पर्सन को शेयर करते हो अपने चैनल का नाम, तो डायरेक्ट आपके चैनल पर ही आएंगे, अपना हैंडल आप उसको शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये सब बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ।